भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में मंगलवार को शास्त्री चौक पर कोरोना टीकाकरण के पंजीकरण अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में ऑटो चालकों का पंजीकरण किया गया। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन एक बहुत ही उपयोगी संसाधन है। उन्होंने कहा कि ऑटो चालक पूरे दिन ऑटो चलाते हैं, अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाए हैं, अभी उनका परिवार भी असुरक्षित है और दिन भर में सैकड़ों लोग उनके ऑटो में बैठकर सफर करते हैं। उन्होंने ऑटो चालकों से कहा कि वह वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को भी सुरक्षित करें और कोरोना से मुक्ति दिलाएं। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, उम्र है अवधेश ए बी ए बी डी एच खाना खा के आएंगे कार्यालय पे आएंगे, वैक्सीन लगवा लेते, अपना आधार कार्ड ले जाए, सदर हॉस्पिटल में लग जाएगा, लगवा लेते कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन एक बहुत ही उपयोगी संसाधन है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ऐसे वर्ग के बीच में निकले हैं जो सर्विस प्रोवाइडर ग्रुप है, जो सब्जी लगाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, दिन भर ऑटो चलाते हैं, उन अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाए हैं, उनका परिवार भी असुरक्षित है और दिन भर में सैकड़ों लोग उनके ऑटो में बैठते हैं और इसलिए ये एक ग्रुप ऐसा है जो पब्लिक के कॉन्टेक्ट में रहता है और इसलिए ऐसे लोगों का हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि जाकर के वैक्सीन लगवाएं ताकि समाज को भी सुरक्षित करें और कोरोना से मुक्ति भी दिलाएं।